डिपार्टमेंट हो के सब देखिए मोबाइल दिखाओ, पहले तुम मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, अरे मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ तुम, छोड़िए छोड़िए, तोरो मारेंगे अभी, बाहर निकलो, अरे कॉलर छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे। वाह वकील साहब वाह, कसम से पेशे की मिट्टी पलित कर दी आपने। हनक देख रहे हैं, हाथ में बेल्ट लेकर वर्दी पहने पुलिस वाले की कॉलर पकड़े हुए हैं। काले लिबास में इस वकील साहब को देखकर लगता है कि इन्हें लॉ का एल भी नहीं पता। आओ ना तू, थोड़ा सा डरेगा रे, आप लोग क्या पता नहीं, अरे भेड़ा बाजी, ए ए ए ए ए ए ए ए क्या क्या हॉस्पिटल में आकर के हमारे सिपाही के साथ मारपीट करने का, जी 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 जी, चलो लेकिन ये क्या, वकील साहब की हनक दो मिनट में शांत भी हो गई जब उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल परिसर में उस वक्त लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब अस्पताल परिसर में कानून के दो रखवाले आपस में भिड़ गए। बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर में एक काले कोट वाले वकील साहब और दूसरा खाकी वर्दी वाले सिपाही आपस में मारपीट करने लगे। अधिवक्ता जितेंद्र कुमार बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में वकालत का पेशा करते हैं, जबकि होमगार्ड का जवान प्रमोद कुमार रंजन उत्पाद थाना बिहार शरीफ में तैनात। सुनिए दोनों की दलील क्या है। गलत गलत लिखवा रहे हैं यहाँ डॉक्टर साहब तक गए एक सर करवाने के लिए, तो एक सारा वाला में भी अपना ही अपना रख रख के अपना पंजा ऐसे करके करवा रहे हैं। उसके बाद उल्टा कि हम किस कांड में लाए थे बच्चा को, ये कांड दारू के थे, अवेलेबल में है, उत्पाद विभाग से है, जी हाँ उत्पाद विभाग से। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। कोर्ट से आए हैं उसको बुलाइए, हमको साहब से आदेश हुआ है कि बच्चा को ये लोग मारपीट किया है एक्साइज वाला, और वहां से साहब बोले कि वकील साहब अपने से जा करके इलाज करवाइए। हम जब इसको आए हैं इलाज करवाने के लिए, जबकि कोर्ट के माध्यम से आए हैं, हम लोग को क्या मतलब है? मेरा ये फोटो खींच करके किसको किसको भेज रहा है कि यही वकील है। कौन फोटो? वहाँ वो अंदर में है। माने क्या, माने पुलिस कर्मी है? हाँ, पुलिस कर्मी है। उत्पाद विभाग का? हाँ, उत्पाद विभाग का है। क्या नाम हुआ सर? सर आपका क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, एडवोकेट है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उत्पाद थाना बिहार शरीफ के द्वारा नूरसराय थाना क्षेत्र के अंधना में श्याम चौधरी के नाबालिग बेटी को उसके घर से शराब बरामदगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश करने के दौरान नाबालिग का मेडिकल कराने के आदेश दिए गए, जिसके बाद उत्पाद थाना की टीम उस बच्चे को लेकर मेडिकल के लिए सदर अस्पताल पहुंची। उस लड़के के साथ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार भी सदर अस्पताल में मेडिकल में सहयोग करने लगे। इस दौरान होमगार्ड जवान और जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हो गई, दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर में ही कानून के दो रखवाले आपस में भिड़ गए, और इस भिड़ंत को देखकर अस्पताल में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे छुड़ाना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा था। सुनिए उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जी, सिपाही है वो, हमारे जज साहब हाँ, के आदेश पर मेडिकल कराने के लिए भेजा गया था, और पीछे पीछे वकील साहब भी आ गए, जबकि वकील साहब किसी तरह का आने का अथॉरिटी नहीं था कि आना चाहिए था। जज साहब ने अगर बोला कि जब काम था चुपचाप यहाँ से बैठते देखते, लेकिन बावजूद कि उन्होंने बहस किया, उसके बाद एक हमारे पदाधिकारी के साथ गाली गलौज भी उन्होंने किया, जाति सूचक वगैरह नाम लेकर के गाली गलौज भी किया उनको, जबकि आग्रह पूर्वक बताया जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक अपना मेडिकल का कार्य कराइए, उसके बाद जो भी प्रोसेस है मारपीट अंदर में घटना घटी है उसका बता तो ना कि हमारे सिपाही पर देखिए वो वर्दी उन्होंने फाड़ दिया है, जो कि एक जघन्य अपराधी है, वकील है, शिक्षित है, कोर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होकर के इस तरह का हरकत करना, ये एकदम पूर्ण रूप से अमानवीय घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, जो कि गलत है पूर्ण रूप से।